लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 23. इफ 36 फ्लैट्स कॉस्ट दिस वन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट. नाउ यू हैव टू अंडरलाइन व्हाट इज द गिवन 36 फ्लैट कॉस्ट. दैट मीन्स ज़्यादा की कॉस्ट दे रखी है. अब इसमें हमने क्या करना है, वन की निकालनी है. तो जब भी बच्चे, अगर वन से, मैंने आपको बताया था, अगर वन से हमने मोर की ओर जाना होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. अगर ज़्यादा से हमने वन की ओर जाना है कि हमने वन की फाइंड आउट करनी है, अगर ज़्यादा की गिवन हो देन ऑलवेज वी विल डू दी डिवाइड. इट्स क्लियर. जैसे आपको 36 फ्लैट्स की कॉस्ट दे रखी है एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट. हियर यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच. ईच मीन्स वन. वन की आपने फाइंड आउट करनी है, देन यू हैव टू डू इट बाय डिवाइड. फर्स्टली यू हैव टू राइट कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट, दैट इज इक्वल टू दिस वन. ओके, दैट इज़ अ 6,82,51,500. एंड इन द नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट यू हैव टू डू डिवाइड, देन आफ्टर दैट यू विल गेट योर आंसर. आई थिंक सो इट्स ईजी, यू कैन डू इट योर सेल्फ. नेक्स्ट वन इज द मास ऑफ ए सिलेंडर फिल्ड विद गैस इज 30 kg 250 g एंड मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर इज 14 kg 480 g. हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेंड इन इट. सो फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. मास ऑफ ए सिलेंडर फिल्ड विद गैस, जैसे एक आपको सिलेंडर का मास गिवन है, अगर उसमें गैस फिल्ड है वो कितना गिवन है, 30 kg 250 g. एंड मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर, एम्प्टी सिलेंडर का कितना है, 14 kg 480 g. हाउ मच इज़ द मास ऑफ द गैस कंटेन इट, यानी कि उसके अंदर जो हमने गैस फिल की है सिलेंडर के अंदर, उसका हमने मास फाइंड आउट करना है. देन हाउ विल यू फाइंड, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मास ऑफ ए सिलेंडर. सपोज हमारे पास यहाँ पर कोई बीकर है. ओके, तो बीकर का हमारे पास जो मास है, ओके, उसका कितना वेट, मास कितना है हमारे पास, 1 kg. कितना है बीकर का मास, 1 kg. अब जब हमने उसके अंदर कोई ना कोई सॉलिड एक सब्सटेंस है वो हमने इसके अंदर ऑक्यूपाई करवा दिया, तो उसका वेट आफ्टर ऑक्यूपाइंग हमारे पास इसका वेट कितना हो गया, 1 kg 200 g. अब हमारे पास जो एम्प्टी सिलेंडर है उसका हमारे पास वेट कितना था, 1 kg. डैट मीन्स मास हमारे पास 1 kg था, और जब हमने इसके अंदर सॉलिड ऑक्यूपाई करवाया तब कितना हो गया, 1 kg 200 g. तो अब हमने इस सॉलिड सब्सटेंस की क्या बताना है कि कितना मास है इसका, टोटल कितना है, 1 kg 200 g. एम्प्टी का कितना था, 1 kg. डैट मीन्स ग्राम इज ओके. नाउ इफ यू वॉन्ट टू फाइंड दिस सॉलिड देन यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. सो द आंसर इज 200 g. हियर इज द 0 kg. डैट मीन्स इस सॉलिड सब्सटेंस का कितना आएगा, 200 g. सिमिलरली आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है कि यहाँ पे आपको एक सिलेंडर फिल है गैस के साथ, ठीक है, उसका वेट आपको ऐसे दे रखा है 30 kg 250 g एंड मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर, एम्प्टी सिलेंडर का मास गिवन है, और आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ द गैस, यानी कि उसके अंदर जो हमने गैस फिल किया सिलेंडर के अंदर वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. नाउ व्हाट्स द गिवन मास ऑफ ए सिलेंडर फिल्ड विद गैस, यू हैव टू राइट मास ऑफ सिलेंडर विद गैस दैट इज इक्वल टू 30 kg 250 g एंड मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, हियर इज मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 14 kg 480 g. Now you have to find here mass of gas. How will you find? You have to find it by subtraction. 30 kg 250 g minus 14 kg 480 g. Now you have to subtract it here, kg and gram. 30 kg, here is 250.
14, that is 480. Now 0 minus 0, that is equals to 0. 5 minus 8 is not possible, so it will take borrow from here. Here is a 1 and here is a 15. So 15 minus 8, that is equals to 7. Now 1 minus 4 is not possible, so it will take borrow from here, but already is 0. So firstly this 0 makes tan by taking borrow from 3. Here is a 2 and here is a 10. Okay bachche, now ab ye yahan par kya hai, 1 minus, to 4 minus nahi hoega. Now it can take borrow from here, it will remain 9 and this is a 11. So 11 minus 4, that is equals to 7. Now 9 minus 4, 5. 2 minus 1, 1. So this is a 15 kg, 770 gram. So this is a 15 kg, 770 gram. By this way you have to solve this.